डियर स्टूडेंट्स, मैं दुलाल चंदा स्वागत करता हूँ आप सभी का। बच्चों, हम लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं एक शिष्य जो है अपने गुरु के सामने हाथ जोड़कर खड़ा है। और यह एक पौराणिक कहानी है, जब ऋषि लोग यहाँ पे हमारे देश में रहा करते थे और कई बार उन लोगों से मिलने के लिए देवता लोग, भगवान लोग भी आया करते थे। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर में क्या इस प्रकार की कहानी दी हुई है। यह चैप्टर 20, ये क्लास 5 का इंग्लिश बुक है और इस चैप्टर का नाम है दधीची। दधीची एक ऋषि था, उन्हीं के बारे में दिया हुआ है। वे हमेशा के लिए अमर हो गए, उन्होंने क्या ऐसा किया था, तो इस चैप्टर में उनके बारे में दिया हुआ है। आइए हम लोग पढ़ के देखते हैं। ये दधीची के गुरुदेव हैं, ये दधीची है और उनके गुरुदेव बोल रहे हैं, दधीची योर मिसचिप्स आर क्रिएटिंग प्रॉब्लम फॉर अदर डिसिपल्स। गुरुदेव बोल रहे हैं कि दधीची, तुम्हारे शरारत के कारण दूसरे शिष्यों को समस्या हो रही है। दधीची जो है वह गुरुदेव के सामने हाथ जोड़कर बोल रहा है, गुरुदेव आई एम सॉरी, आई हैव नो कंट्रोल ओवर माई सेल्फ। तो बोल रहा है, गुरुदेव मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं स्वयं को नियंत्रित नहीं कर पा रहा हूँ, अपने आप को मैं कंट्रोल में नहीं रख पा रहा हूँ। इसके आगे है, गुरुदेव बोल रहे हैं, यूज योर स्ट्रेंथ टू हेल्प अदर्स नॉट टू वैक्स देम। गुरुदेव बोल रहे हैं कि अपनी ताकत का उपयोग दूसरों की मदद करने के लिए करो, ना कि उन्हें परेशान करने के लिए। तो दधीची बोल रहा है, हाउ कैन आई ट्रांसफॉर्म माई सेल्फ, मैं स्वयं को किस प्रकार से बदल सकता हूँ गुरुदेव। तो गुरुदेव से पूछ रहा है, तो गुरुदेव क्या बतला रहे हैं, गो टू नैमिषारण्य एंड मेडिटेट, इट विल मेक योर विल पावर स्ट्रांग। गुरुदेव बतला रहे हैं कि नैमिषारण्य जाओ और तप करो, यह तुम्हारे संकल्प शक्ति को दृढ़ कर देगी। नैमिषारण्य कोई जगह का नाम है। तो फिर दधीची क्या बोल रहा है, आई शैल सेक्रीफाइस माई सेल्फ फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, मैं समाज के कल्याण के लिए स्वयं को निछावर कर दूंगा, बलिदान कर दूंगा। सेक्रीफाइस मतलब होता है बलिदान कर देना। अब यहाँ से कहानी बदल जाता है और यहाँ पे जो है दधीची नवयुवक है। उसके बाद ये बहुत लंबे समय की कहानी है, उसके बाद क्या बीतता है बीच में वहाँ कुछ दिया हुआ नहीं है। और ब्रह्मदेव के पास देवराज इंद्र आते हैं और उनसे याचना कर रहे हैं, ब्रह्मदेव हेल्प हेल्प, ब्रह्मदेव हमारी मदद कीजिए, मदद कीजिए हमारी। तो ब्रह्मदेव क्या बोल रहे हैं, देवराज इंद्र Why are you so worried? ब्रह्मदेव बोल रहे हैं कि देवराज इंद्र आप इतने चिंतित क्यों हैं। देवराज इंद्र बोल रहे हैं, द डेमोन किंग वृत्रासुर हैज क्रिएटेड ए ग्रेट हैवॉक अमोंग अस। ब्रह्मदेव, राक्षस राज वृत्रासुर ने हमें हराने के लिए विनाशकारी शक्ति प्राप्त कर लिया है। जब कोई राक्षस तपस्या करके बड़ी शक्ति प्राप्त कर लेता था तो इंद्रदेव डर जाया करते थे कि अब उससे स्वर्ग छीन लिया जाएगा, इसीलिए वे याचना कर रहे हैं ब्रह्मदेव से। ही इज़ मिस यूजिंग द पावर गिवेन बाय लॉर्ड शिवा, वह भगवान शिव के द्वारा दी गई शक्ति का दुरुपयोग कर रहा है। फिर आगे दिया हुआ है, देवराज इंद्र बोल रहे हैं, देयर इज़ नो इफेक्ट ऑफ एनी वेपन ऑन हिम, किसी भी अस्त्र शस्त्र का उन पर कोई भी असर नहीं हो रहा है। हाउ कैन आई सेव द हेवन, मैं स्वर्ग को कैसे बचा सकता हूँ। तो ब्रह्मदेव बोल रहे हैं, लेट मी पॉन्डर ओवर इट, कि मुझे इस पर विचार करने दो। फिर ब्रह्मदेव विचार करके बतलाते हैं, द वज्र मेड फ्रॉम द बोन्स ऑफ सेज दधीची कैन किल हिम, ऋषि दधीची की हड्डियों से बने वज्र उसे मार सकती है। ये परामर्श दे रहे हैं। तो फिर देवराज इंद्र क्या बोल रहे हैं, आई सेल गो टू नैमिषारण्य टू रिक्वेस्ट सेज दधीची, मैं ऋषि दधीची से प्रार्थना करने के लिए नैमिषारण्य जाऊँगा। और वो उनके पास जाने के लिए फैसला ले लेते हैं और फिर चले जाते हैं। इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है ऋषि दधीची यहाँ पे देवराज इंद्र का स्वागत कर रहे हैं, वेलकम देवराज, ये देवराज इंद्र आपका स्वागत है। देवराज इंद्र इनसे प्रार्थना कर रहे हैं, दधीची आई हैव कम हियर विथ ए ग्रेट होप, ऋषिवर मैं आपके पास एक बहुत बड़ी उम्मीद लेकर आया हूँ। फिर यहाँ पे आगे दिया हुआ है, प्लीज़ डोंट हेजिटेट टेल मी क्लियरली, कि कृपया कर हिचकिचाइए मत, टेल मी क्लियरली, मुझे साफ साफ बताइए कि बात क्या है। ओनली यू कैन हेल्प मी टू किल द डेमोन किंग, मात्र आप ही हैं जो राक्षस राज को मारने में हमारी मदद कर सकते हैं। फिर ऋषि दधीची बोल रहे हैं, हाउ कैन आई हेल्प यू, कि मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ, आई नीड योर बोन्स टू मेक वज्र। इंद्रदेव उन्हें बतला रहे हैं, वज्र बनाने के लिए हमें आपकी अस्थियों की आवश्यकता है। यह सुनकर ऋषि दधीची खुश हो जाते हैं, आई एम रियली फॉर्चुनेट, मैं सचमुच बहुत भाग्यशाली हूँ, यू कैन टेक माई बोन्स, आप मेरी अस्थियों को ले सकते हैं,
आई क्लोज माई आइज फॉर एवर, इसके लिए मैं सदा के लिए अपनी आंखें बंद कर लूँगा। कहने का मतलब है कि मैं मृत्यु को गले लगा लूँगा। यू विल ऑलवेज बी रिमेम्बर्ड फॉर योर सेक्रीफाइस, आपको हमेशा आपके बलिदान के लिए याद किया जाएगा। और इस प्रकार से दधीची अपने शरीर को त्याग देते हैं और उनकी अस्थियाँ बच जाती है और उसी से वज्र बनता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं उनकी अस्थियाँ बचा हुआ है जो कि वज्र के रूप में है। थैंक्स फॉर योर सेक्रीफाइस। अंत में देवराज इंद्र बोलते हैं आपके बलिदान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे यह स्टोरी समाप्त हो जाता है। यहाँ पे कुछ न्यू वर्ड्स दिए हुए हैं, आप इसको पढ़कर याद कर लेंगे। और इस पे क्या क्वेश्चंस दिया हुआ है, यह है इस चैप्टर का मुख्य क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर टू में हु सेड टू होम, किसने किससे कहा, ये दिया हुआ है। और इसके आगे भी क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर थ्री में ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है। और क्वेश्चन नंबर फोर में ग्रामेटिकल क्वेश्चन दिया हुआ है जो यहाँ पे दो वर्ड्स में से चूज करके एक वर्ड्स को भरना है। और इसके बाद मैच द फॉलोइंग दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर सिक्स एक ग्रामेटिकल क्वेश्चन है जो यहाँ पे दिया हुआ है, जिसमें दैट व्हिच हुज और हु ये चार वर्ड में से एक वर्ड इसमें भरा जाएगा। तो आइए मैं आप लोगों को इसके क्वेश्चन आंसर बना के दिखाता हूँ। ये है चैप्टर 20 का क्वेश्चन आंसर। आंसर दिस क्वेश्चन, हु क्रिएटेड प्रॉब्लम फॉर अदर डिसिपल्स, दधीची क्रिएटेड प्रॉब्लम फॉर अदर डिसिपल्स। वेयर डज दधीची गो फॉर मेडिटेशन, ही गोज टू नेमिशरण्य फॉर मेडिटेशन। Why did Indradev go to Lord Brahma? Indradev went to Lord Brahma for the help to kill the Vritrasur. Who was Vritrasur? Vritrasur was the demon king. What do Dadhichi do to save the heaven? He sacrificed his life and gave his bones to make Vajra, thus he saves the heaven. Who is called Devraj? लॉर्ड इंद्रा इज कॉल्ड देवराज। क्वेश्चन नंबर टू में हु सेड टू होम, किसने किससे कहा, इसका यहाँ पे आंसर दिया हुआ है। आप इसको देखकर अपने बुक में भर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर थ्री में यस नो पूछा गया है, तो यहाँ पे यस नो करके सारे आंसर दे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर फोर में फिल इन द ब्लैंक्स विद द सूटेबल वर्ड्स, तो यहाँ पे वर्ड्स को चुनकर भरने के लिए कहा गया है, यहाँ पे उसका आंसर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर फाइव में मैच द वर्ड्स विद देयर मीनिंग, उसके अर्थ के साथ, वर्ड्स के अर्थ के साथ उसको मैच करने के लिए कहा गया है, और इसका यहाँ पे डायरेक्ट आंसर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर सिक्स फिल इन द ब्लैंक्स, उसमें भी दिया हुआ है, यह एक ग्रामेटिकल क्वेश्चन है और जिसमें रिलेटिव प्रोनाउन के वर्ड्स भरने हैं, तो इसमें यहाँ पे उसका आंसर दिया गया है। इसको देख कर आप इसको अपने बुक में भर सकते हैं। तो यहाँ पर यह चैप्टर पूरी तरह समाप्त हो जाता है। अगर आप लोगों को हमारे वीडियो से थोड़ा भी मदद मिल रहा है तो आप हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। और इसी तरह का और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और दूसरे चैप्टर का वीडियो पाने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं। तो आइए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं।